ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ वाली की जगह एक्स प्लॉट करेंगे, इधर एक्स प्लॉट करेंगे, ये वाली इसका जो मेजर रहेगा वो हम इधर प्लॉट करेंगे, ठीक है। और ये थीटा की अलग अलग वैल्यू ये इस तरफ प्लॉट होंगे, ओके। चलिए अब इसको देखो, सो व्हेन थीटा इज जीरो, व्हेन थीटा इज जीरो राइट, एक्स कितना, एक्स इज इक्वल टू वन, एंड थीटा इज जीरो, एक्स इज इक्वल टू वन, तो एक्स इज इक्वल टू वन क्या हमारा यहाँ पर, जिसे देखो फिर जब ये हमें 45 हो जाएगा राइट, तो फिर ये कितना हो जाएगा, अब 45 में तो ये भी 45, ये भी 45, ये और ये सब बराबर हो जाएगा, ठीक है। और cos 45 कितना होता है, ये हमें पता है 1/√2 होता है, 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है 0.7, ठीक है। तो वो 0.7, 0.7 वाली ये वाला पॉइंट 0.7, ये -0.7, ये पॉइंट कहाँ जाएगा यहाँ पे, इधर आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही एंगल 90 डिग्री तक पहुंचेगा एक्स की वैल्यू मेरी कितनी होगी, जीरो, ये यहाँ से होगी जीरो, जैसे ही ऊपर है एक्स बिकम जीरो, तो कॉस थीटा एंड थीटा इज 90 डिग्री वैल्यू बिकम जीरो, तो 90 डिग्री के आते आते जो एक्स डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगी। अब यहाँ से इसको आगे लेके आते हैं, यहाँ पर आगे आएगा तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गया, और इसकी डिस्प्लेसमेंट जो वैल्यू व्हिच इज अगेन 0.7, इससे आगे जाएगा यहाँ इधर आ जाएगा 0.-0.7, ये एक्स -0.7। आप इसको और पाई पे ले आते हैं, तो पाई पे आते आते वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस की हो जाएगी -1, कॉस की वैल्यू -1, यहाँ पे हो गया -1, ओके। फिर इसको यहाँ से फर्दर आप थर्ड क्वाड्रेंट में ले, थर्ड क्वाड्रेंट में वापस आते हो, ये वैल्यू फिर -1 से रिड्यूस होता है, -0.7 पर आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू -0.7 पर आ जाएगा। फिर इधर से फर्दर आगे इधर आ गए, ठीक है, ये एक्स की वैल्यू फिर वापस जीरो हो गई, द वैल्यू ऑफ एक्स बिकम जीरो एट एंगल 3π/2, एंगल 3π/2 पे ये वैल्यू ठीक है। फिर इसको फर्दर हम लेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट से, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें पता है कॉस पॉजिटिव होता है, वापस ये आ गया उसी पॉइंट पे 0.7, ये वापस यहाँ से आ गया बेस नंबर 0.7 इधर आ जाएगा, और फिर 0.7 के बाद 2π का होते होते ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 इधर। एक कौन सा हमने ग्राफ प्लॉट किया, हमने एक्स इक्वल टू कॉस थीटा का ग्राफ प्लॉट किया, ये किस इसमें किस प्रकार से कर्व वैल्यू हो रही, इस प्रकार से हो रही, ये ठीक है। ये इस प्रकार से कर रहे वो बनेगा, और फंक्शन है एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसमें भी आप ध्यान से देखें, ये ग्राफ की जो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक गई, 1 तक गई है, मिनिमम वैल्यू कहाँ तक गई है, -1 तक गई है, ठीक है। और ये ग्राफ इसी प्रकार से चलता रहेगा, वट एवर बी द एंगल, इसी प्रकार से पीछे की तरफ भी चलता रहेगा, वट एवर बी द एंगल, एंगल मतलब थीटा जो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इट कैन टेक एनी वैल्यू, थीटा कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम +∞ to -∞, इसका मतलब cos थीटा जो फंक्शन है इसका जो डोमेन है दैट इज ऑल रियल नंबर्स, सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज, डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। एंड व्हाट ऑल वैल्यू एक्स कैन टेक हियर, तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल कैन टेक ऑल वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम +1 to
माइनस वन इंक्लूसिव ऑफ प्लस वन एंड माइनस वन, तो इसका जो रेंज है रेंज प्लस माइनस वन इंक्लूसिव, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाया इंक्लूसिव बनाने के लिए। तो ये कॉस थीटा का डोमेन और रेंज है, ठीक है। दैट इज द कर्व कॉस थीटा। कॉस थीटा का जहां से शुरू होता है वन से, साइन थीटा का जीरो से शुरू होता है, ठीक है। इतना ही फर्क है साइन थीटा में और कॉस थीटा में।